अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह बड़ी संख्या में पशुपालन की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। पशुपालन का अनुभव रखने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में उप संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा मछली पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। यह कार्यक्रम अभी प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है। ए हेल्प का अर्थ है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक। ऐसे व्यक्ति जो पशुधन के स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग करेंगे उन्हें ए हेल्प के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशु सखी के रूप में स्व सहायता समूह की महिला का चिन्हांकन होने के बाद वह पशुपालन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय अधिकारियों को सहयोग करेंगी। उसके द्वारा पशुओं के कान की टैगिंग कराने, पशुपालन के लिए स्वरोजगार के ऋण प्रकरण तैयार करने तथा पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में सहयोग दिया जाएगा। इन कार्यों में उसे निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।